ओके गाइज, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज़ अ सॉल्यूशन वीडियो ऑफ कोड फोर्सेज राउंड 643, ओके डिव 2। सो गाइज, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए हर लाइव कॉन्टेस्ट के एडिटोरियल्स, सॉल्यूशंस एंड डिस्कशंस लाता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प होगी। एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। ओके गाइज, तो क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। पहले पहला देखते हैं, सीक्वेंस एंड डिजिट्स। ओके, फर्स्ट आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एन प्लस मिनिमम डिजिट ऑफ ए एन एंड मैक्सिमम डिजिट ऑफ ए एन, एंड मिनिमम डिजिट एंड मैक्सिमम डिजिट ऑफ एक्स आर। ओके, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, लाइक फॉर सपोज आपको एक एक्सप्रेशन तो दी गई है, ए एन प्लस वन, एक सेकेंड गाइस, इज इक्वल्स टू ए एन प्लस मैक्स डिजिट ऑफ ए एन एंड मल्टीप्लाई। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर सपोज आपके पास 487 है, इनपुट में आपको एक n दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इनपुट में आपको a1 और k दिया गया है। ओके, हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 487 फोर्थ, ठीक है, 487 फोर्थ में जाएंगे, A1 आपको 487 दिया गया है, ठीक है, तो A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस मिनिमम ऑफ A1 एंड मैक्सिमम ऑफ A1। कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑफ A1 हो जाएगा आपका 4 एंड मैक्सिमम ऑफ A1 हो जाएगा आपका 8, तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 519। ओके, तो यही आपका एक रिकरेंस रिलेशन है। ओके, तो मैं आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कैसे करेंगे आप। फॉर सपोज आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यही निकालना है, तो मैं आपको सीधे कोड ही दिखा देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको n के इनपुट ले लिया, और मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, और k में k माइनस वन कर दिया, क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट पहले से दी गई है। लूप चलाया k माइनस माइनस तक, जब तक k ज़ीरो नहीं हो जाता। हमने क्या लिया, लीस्ट डिजिट ज़ीरो बना दी, और मैक्सिमम स्मॉलेस्ट डिजिट, हमने मैक्सिमम स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो सकती है, 9, एंड लार्जेस्ट मिनिमम डिजिट क्या हो सकती है, 0, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, दोनों को ज़ीरो बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये लूप जो है मेरा, ये मिनिमम और मैक्सिमम डिजिट निकाल रहा है। हर टाइम हम एक्स मॉड्यूलो लेंगे, हर डिजिट लेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट निकाली, ठीक है। ये लूप मेरा मैक्सिमम मिनिमम डिजिट निकालेगा, एंड अगर कहीं पे भी हमारी मिनिमम डिजिट ज़ीरो आ जाती है, ठीक है, फॉर सपोज मिनिमम डिजिट ज़ीरो आ गई, ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो मिनिमम आपका नंबर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम डिजिट अगर ज़ीरो है तो आपका जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो आपका के तब लूप चलाना बेकार है, इसलिए आप वहीं पर ब्रेक कर दोगे, ठीक है। तो जब भी स्मॉलर डिजिट ज़ीरो होगा, मैंने वहीं पर लूप ब्रेक कर दिया, एल्स में मैंने क्या किया, उसी नंबर पर एस क्रॉस एल ऐड कराता गया और एंड में एन दे दिया। ओके गाइज, तो कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था आपके, सीक्वेंस एंड डिजिट्स। ओके।